हम सभी अपने दैनिक जीवन में आपस में बातचीत करने के लिए अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश इत्यादि। ये भाषाएं हमें अपने विचारों, भावनाओं या निर्देशों को दूसरों तक पहुंचाने में सहायता करती हैं। इसी प्रकार जब हमें कंप्यूटर से कोई कार्य करवाना होता है तो हमें उसे भी निर्देश देने होते हैं। अब सवाल यह है कि हम कंप्यूटर को कैसे निर्देश देते हैं। आमतौर पर हम कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी मदद से हम कंप्यूटर से सिर्फ वही काम करवा सकते हैं जिसके लिए कोई सॉफ्टवेयर या ऐप पहले से उपलब्ध हो। मगर क्या हो अगर हमें कंप्यूटर से कोई ऐसा काम करवाना हो जिसके लिए अभी तक कोई ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं बना हो, तब हम क्या करेंगे? ऐसे मामलों में हमें कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा कि वह इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें पहले खुद कंप्यूटर की लैंग्वेज समझनी होगी, और यही लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये स्पेशल लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है, और इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को बिल्कुल नए निर्देश दे सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बना सकते हैं। जब हम निर्देशों का एक समूह बनाते हैं तो उसे प्रोग्राम कहा जाता है, और जब इन प्रोग्राम्स को एक साथ जोड़ा जाता है तो वे एक एप्लीकेशन बन जाता है। इसका मतलब यह है कि सी लैंग्वेज के जरिए हम कंप्यूटर से सीधे संवाद कर सकते हैं और किसी भी नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज सकते हैं। अब बड़े प्रोडक्ट्स या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले आइए एक सरल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर को निर्देश देंगे कि वह हमारे लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करे। लेकिन ये निर्देश या प्रोग्राम हम कहाँ और कैसे लिखेंगे? आजकल हमारे पास सी प्रोग्राम लिखने के कई ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्प मौजूद हैं। अगर आप मोबाइल पर सी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप्स उपलब्ध हैं। आप गूगल प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में सी कंपाइलर लिखकर अपने पसंद के ऐप का उपयोग कर सकते हैं। वहीं अगर आप मोबाइल पर कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो अपने मोबाइल के वेब ब्राउज़र में ऑनलाइन सी कंपाइलर सर्च करके भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लैपटॉप या कंप्यूटर पर भी यही प्रक्रिया लागू होती है। आप ऑनलाइन कंपाइलर या फिर वीएस कोड, कोड ब्लॉक्स जैसे आईडीज़ का उपयोग करके सी प्रोग्राम लिख और रन कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम सी प्रोग्राम लिखने और रन करने के लिए वीएस कोड का उपयोग करेंगे। वीएस कोड का उपयोग करने के लिए हमें सबसे पहले वीएस कोड को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीएस कोड को डाउनलोड करना और उसके बाद में वीएस कोड को इंस्टॉल करना। तो सबसे पहले वेब ब्राउज़र में जाकर हम टाइप करेंगे वीएस कोड डाउनलोड, और उसके बाद जो पहली लिंक है हम उस पर क्लिक करेंगे। ये वीएस कोड की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए और मैक ओएस के लिए वीएस कोड को डाउनलोड करना। तो हम विंडोज़ सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हम विंडोज़ सिस्टम के लिए वीएस कोड का सेटअप डाउनलोड करेंगे। और जैसे ही हमारा सेटअप डाउनलोड हो जाता है उसके बाद हम सेटअप को इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। हमारा वीएस कोड का सेटअप डाउनलोड हो चुका है, अब हम इस पर डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। तो हमने सेटअप पे डबल क्लिक किया और ये हमारा सेटअप इंस्टॉल होना शुरू हो गया। सबसे पहले हम आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में फिर से नेक्स्ट। यहाँ पर हमें ये तीनों चेकबॉक्स को क्लिक करना है, चेक करना है, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इंस्टॉल होने की प्रक्रिया 1 से 2 मिनट की होती है।
उतने में ये सेटअप आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाना चाहिए। सेटअप इंस्टॉल होने के बाद आपको स्क्रीन में कुछ ऐसा मैसेज दिखेगा, आपको फिनिश पे क्लिक करना है और जो VS कोड है वो आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगा। जब VS कोड ओपन होगा तो VS कोड आपको अपने सिस्टम में कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको इन चारों में से अपने पसंद की कोई थीम सेलेक्ट कर लेनी है। मुझे डार्क थीम पसंद है इसलिए मैं डार्क थीम पर क्लिक करूँगा। इसके बाद VS कोड में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे, हमें इन ऑप्शंस को देखकर परेशान नहीं होना है। शुरुआत में ये थोड़ा ज़्यादा लग सकता है लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम VS कोड को यूज़ करते जाएंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत नॉर्मल और बहुत ईजी लगने लग जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक्सप्लोरर में जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक फोल्डर बना सकते हैं जिसमें हमें अपनी सी प्रोग्रामिंग करनी होगी। जैसे यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहा है ऐड अ फोल्डर, तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना सकता हूँ और वो फोल्डर मेरे सिस्टम में जाके क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर को मैं अपने कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन में सेव कर सकता हूँ। तो चलिए इसको मैं कहीं भी इसी लोकेशन पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ। उस फोल्डर का नाम रख देते हैं हम सी प्रोग्रामिंग और इस फोल्डर पे डबल क्लिक करके मैं इसको ऐड कर देता हूँ। इस प्लेलिस्ट में हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उन सारे प्रोग्राम को हम इसी फोल्डर में बनाएंगे। अब इस फोल्डर के अंदर हम यहाँ से एक न्यू फाइल बना सकते हैं। तो हमने एक न्यू फाइल बनाया, उस फाइल का नाम हम रख देते हैं हेलो डॉट सी। क्योंकि हम इस प्लेलिस्ट में सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं इसलिए हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उसका एक्सटेंशन डॉट सी होगा, क्योंकि सी प्रोग्राम की सारी फाइल्स डॉट सी एक्सटेंशन से ही सेव की जाती है। फिर हम यहाँ पे एंटर पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा सी प्रोग्राम लिखने के लिए एक फाइल रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे सी प्रोग्राम लिख सकते हैं लेकिन फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ कोई भी सी प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्राम को रन करने से पहले हमें कुछ सेटअप करना पड़ेगा। पहले सी प्रोग्राम को रन करने से पहले हमें कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करने पड़ेंगे और एक कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम एक एक करके वो सारी चीज़ें अब हम डाउनलोड और इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सटेंशंस में हम लिखेंगे सी। जैसे ही हम सी लिखेंगे हमारे पास काफ़ी सारे सजेशंस आ जाएंगे। हमें इसमें से ये पहला इंटेलिसेंस का C++ डीबगिंग टूल हमें डाउनलोड करना है, उसके बाद ये एक्सटेंशन पैक डाउनलोड करना है। तो अब हम बारी बारी से इन तीनों चीज़ को इंस्टॉल करना शुरू करेंगे, हमें जल्दबाजी नहीं करना है, एक बार में एक ही चीज़ इंस्टॉल करना है। पहले हम इंटेलिसेंस का डीबगर हम इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलिंग। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हम नेक्स्ट थीम वाला अपना एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद यह आपको कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है थीम्स को, तो हम इसके इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉल हो रहा है। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे ये ऑप्शन पूछ रहा है तो हम यहाँ पे डार्क विजुअल स्टूडियो कर देंगे अपने चॉइस के हिसाब से। उसके बाद हमें ये एक्सटेंशन पैक डाउनलोड करना है तो हम इस पर भी इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा हम अगला एक्सटेंशन पैक डाउनलोड करेंगे। अब देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है तो हमें एक और चीज़ इंस्टॉल करनी है इसमें, जिसको बोलते हैं कोड रनर। कोड रनर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये ज़रूरी होता है आपके सी प्रोग्राम को रन कराने के लिए। इनमें से ये कोड रनर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, चाहें तो इसको इंस्टॉल नहीं करें। लेकिन अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो आपको रन करने के लिए आपको टर्मिनल से आपको प्रोग्राम रन करना पड़ेगा। तो इसको इंस्टॉल करने से हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, इसलिए हम जनरली इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इन चार एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद अब हमें इंस्टॉल करना है एक और चीज़ जिसे कहते हैं मिन जी डब्ल्यू। तो अपने वेब ब्राउज़र पे आते हैं और हम इंस्टॉल करते हैं मिन जी डब्ल्यू को। तो हमने अपने वेब ब्राउज़र पे लिखा मिन जी डब्ल्यू डाउनलोड और ये सोर्स फोर्ज की आपको वेबसाइट दिखेगी, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे
डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको मिन जी डब्ल्यू का सेटअप मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आप इस सेटअप को डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने डबल क्लिक किया मिन जी डब्ल्यू वाले सेटअप पे और हमने इंस्टॉल करना स्टार्ट किया। हम कंटिन्यू करेंगे और इंस्टॉल होना शुरू होगा। इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, 4 से 5 मिनट का, उसके बाद ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ ऐसा विंडो मिलेगा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे। आप इसमें ऑप्शन में जाके ये मिन जी डब्ल्यू वाला मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर दीजिए। उसके बाद में आप इंस्टॉलेशन में जाकर अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में इस अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए और ये आपका मिन जी डब्ल्यू 32 GCC कंपाइलर आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आप अपने VS कोड में C और C++ के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। अभी तक के वीडियो में हमने बस यही समझा है कि सी प्रोग्राम क्या होता है, सी का बेसिक्स हमने थोड़ा बहुत जाना है, और उसके बाद हम सी प्रोग्राम रन करने के लिए इन्वायरमेंट सेटअप कर रहे हैं। पहले सी प्रोग्राम को रन करने के लिए हम टर्बो सी यूज़ करते थे, उसके बाद में कोड ब्लॉक्स का दौर आया और आज हम VS कोड का यूज़ करते हैं सी प्रोग्राम रन करने के लिए भी, क्योंकि VS कोड आज के समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और हम चाहते हैं कि एक ही जगह हम सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन कर सके। जैसे VS कोड में हम सी भी रन कर सकते हैं, सी प्लस प्लस भी रन कर सकते हैं, जावा भी रन कर सकते हैं, पाइथन भी रन कर सकते हैं, इसलिए हम VS कोड को सेटअप करने में थोड़ा टाइम दे सकते हैं। अब देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है आपका, GCC कंपाइलर इंस्टॉल हो चुका है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे और एक लास्ट स्टेप और करेंगे। उस स्टेप में हम क्या करेंगे कि सर्च बॉक्स में जाके, विंडोज़ के सर्च बॉक्स में जाके हम टाइप करेंगे इन्वायरमेंट, फिर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, उसके बाद पाथ पर जाकर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ एक नया पाथ ऐड करेंगे, वो पाथ किसका होगा, वो पाथ होगा मिन जी डब्ल्यू का। तो हम सी ड्राइव में जाएंगे जहाँ पे हमारा मिन जी डब्ल्यू इंस्टॉल हुआ है, उस पर हम डबल क्लिक करेंगे, बिन में जाएंगे और इस पाथ को मिन जी डब्ल्यू के बिन तक के पाथ को हम यहाँ पे जाकर न्यू में क्लिक करके उस पाथ को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसे ओके करेंगे, इसे ओके करेंगे और इसे भी ओके करेंगे। इतना करने के बाद हमने अपना इन्वायरमेंट सेट कर लिया है। अब अगर आप चाहें तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में GCC कंपाइलर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। उसके लिए हम सर्च बॉक्स में जाकर कमांड टाइप करेंगे, CMD कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर हम यहाँ टाइप करेंगे GCC स्पेस डैश डैश वर्जन और एंटर पे हिट करेंगे तो हमें हमारा GCC कंपाइलर का वर्जन मिल जाएगा। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, हमने कंपाइलर को सही से अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद हम अपना VS कोड ओपन कर सकते हैं। अब VS कोड ओपन करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा VS कोड सी प्रोग्राम रन करने के लिए अब रेडी है कि नहीं। अब हम अपने फोल्डर पे जाएंगे जो हमने सी प्रोग्रामिंग नाम का फोल्डर बनाया था, इसमें एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रख देंगे hello.c। और उसके बाद अब हम इस फाइल में अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो अभी मैं जो प्रोग्राम लिखूंगा हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोग्राम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे, इसलिए आप इस बात की चिंता मत करिए कि मैं यहाँ पे
क्या लिख रहा हूँ। अब बस हम बस अभी यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि हमारा VS कोड हमारे C प्रोग्राम को रन कर पा रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने एक सी प्रोग्राम लगभग लिख दिया है। बस मैं इसमें रिटर्न और ऐड करूँगा। ये सारी लाइन शुरुआत में देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं, लेकिन उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब देखिए, ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया है और इसको मैं सेव कर दूँगा। सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस भी दबा सकते हैं और सेव करने के लिए आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। प्रोग्राम मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इस प्रोग्राम में राइट क्लिक करूँगा और रन कोड करूँगा। रन कोड करने से मुझे जो मैंने प्रिंट कराया है वो मुझे आउटपुट में मिल गया है। इसका मतलब कि हमारा VS कोड अब पूरी तरह से तैयार है सी प्रोग्राम्स और सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स को रन करने में। इस वीडियो सीरीज़ में हम सी प्रोग्राम्स सीख रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो इस वीडियो सीरीज़ में हम बस सी लैंग्वेज के बारे में ही बात करेंगे। मे बी नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ जो मैं बनाऊँगा वो सी प्लस प्लस में होगी, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो सीरीज़ में हम 500 से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सी लैंग्वेज सीखने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने समझा कि सी का बेसिक क्या होता है और हमने समझा कि सी को हम कहाँ, सी लैंग्वेज को हम किस प्लेटफॉर्म में रन कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म हमारा VS कोड है। हमने VS कोड को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसको सेटअप किया और उसके बाद हम उसमें सी प्रोग्राम रन कर पा रहे हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम अपने पहले सी प्रोग्राम को बहुत डिटेल में समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।